रिएक्शन मैकेनिज्म की समरी। तो क्या बोलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म की ये समरी है। मतलब इस तरह आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में हमेशा ही सारी चीजें मिलेगी। ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल रहेगी और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी। रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे, रिएक्टेंट से तो अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को रिएजेंट से यहाँ मतलब होता है। और रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप। रिएजेंट तीन टाइप के होंगे। रिएजेंट तीन टाइप के हैं, तो तीन टाइप में पहला कौन सा? न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। पहला न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिवली चार्ज उसको सही, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज उसको सही, तीसरा रिएजेंट का टाइप होता है फ्री रेडिकल। अब इनमें एग्जांपल के साथ समझेंगे और इनका प्रोडक्शन कैसे होता है रिएक्शन में वो समझेंगे। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज उसको सही, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो नेगेटिव चार्ज हो वो न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक कहाँ करेगा? न्यूक्लियस पर, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जैसे Cn-Cl-OH-, ये सभी न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल है। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज प्रोसीड होता है और ये वहां अटैक करेगा रिएक्टेंट के उस पोर्शन पर जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर होगी। ये किसी कारण से पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा लेकर के जाएगा, तो Cl+, Cl3+, NO2+, ये सब इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल। ये रिएक्शन में किस तरह प्रोड्यूस होंगे, इनको किसी ना किसी कैटलिस्ट किसी रिएजेंट के थ्रू आपको अलग से सब्सटेंस को रिएक्शन में इन्वॉल्व करके प्रोड्यूस करना पड़ता है। तीसरा होता फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री रेडिकल के पास क्या होंगे? वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर, ये Cl3 इस तरह, ये फ्री रेडिकल। ये तीनों ही रिएजेंट के टाइप है। अब ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं रिएक्शन में वो समझ, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा क्लीवेज। आपको क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड पार्टनरशिप का बॉन्ड है जिसमें दो सेम एटम या डिफरेंट एटम आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड पाई बॉन्ड भी हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है। तो यहाँ क्लीवेज करना है कोवेलेंट बॉन्ड का, उसमें हम स्पेशल सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। ये होता है दो टाइप का, एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है लाइक क्लीवेज। एटम अपने जो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन थे करस्पोंडिंग एटम लेकर के उनको सेपरेट हो जाए, अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाए। जैसे क्लोरीन, ये क्लोरीन, क्लोरीन का मालिक कौन है? पार्टनरशिप में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं दोनों? एक एक। और इनके वैलेंसी सेल में कितने बचेंगे? छह छह इलेक्ट्रॉन इनके पास आउटर में थे, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हेलोजन फैमिली के मेंबर, एक एक उन्होंने पार्टनरशिप में दिया। अब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो स्पेशल केस में होता है, यहाँ आपको सनलाइट सप्लाई करना पड़ेगा या सनलाइट की प्रेजेंसी में होता है या हीट सप्लाई करना पड़ेगी, तब क्लीवेज होगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। इस क्लीवेज को बोलते हैं हम होमोलिटिक क्लीवेज, लाइक क्लीवेज। इससे प्रोड्यूस क्या हो गया? फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह फ्री रेडिकल हमेशा
होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू प्रोड्यूस होगा और ये बहुत रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव। ये रिएक्टिव होता है इसीलिए तो रिएजेंट की तरह काम करता, अटैक करेगा रिएक्टेंट पर बहुत फास्ट। दूसरा, अब ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं रिएक्शन? ये होते हैं हाइड्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू। हाइड्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू प्रोड्यूस होंगे। तो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रॉन कौन ले जाए ये डिपेंड करेगा उस मटेरियल, उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एटम पर। जैसे अगर हम क्लीवेज करें CH3CN, मिथाइल क्लोराइड पर क्लीवेज करें, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, अनलाइक क्लीवेज। अगर ये इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप के क्लोरीन ले जाए तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। मतलब ये बना इलेक्ट्रोफाइल, ये बना न्यूक्लियोफाइल। और अगर इसका अपोजिट हो जाए हाइड्रोलिटिक क्लीवेज में कि ये इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप ले जाए, तो मिथाइल कैसा हो जाएगा? CH3 क्लोरीन को कैसा बना देगा? पॉजिटिव। मतलब प्रोड्यूस क्या हुए? प्रोड्यूस तो वही इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ भी वही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस। इस तरह इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल, ये रिएक्शन मैकेनिज्म के रिएजेंट है जो आपको हमेशा मैकेनिज्म में मिलते रहेंगे रिएक्टेंट पर अटैक करते समय। और रिएक्टेंट के न्यूक्लियस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां हायर होगी वहां अटैक करेगा, और फ्री रेडिकल स्पेशल केस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एडिशन इस तरह के रिएक्शंस करेगा। ठीक है, तो पहले ये नोट करेंगे हम, उसके बाद आगे स्टडी करेंगे, फिर रिएक्शन ऑफ टाइप की स्टडी करेंगे। नोट करिए फटाफट बोर्ड पर से, ये नहीं निकल रही, इसमें कुछ मिल रही है? कुछ नहीं, वो पूरी होगी ना यार, जो अभी क्या ये 25 थी, हां बस वापस गिनना नहीं पूरी मार्क्स वाला, बस पता करो कितने करना ಆವೇಜನ ಲಿಖಿ नोट करिए। क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हेडिंग लिखी क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये दो टाइप का होगा क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर एक होमोलिटिक क्लीवेज, इसमें लिख लीजिए होमोलिटिक क्लीवेज में लाइक क्लीवेज, लाइक क्लीवेज। व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड
लाइक किलीवेज they are corresponding atoms called homolytic cleavase. और ये क्लोरीन का एग्जांपल लिख लीजिए. होमोलिटिक क्लीवेज में एग्जांपल लिख लीजिए. ठीक है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा और स्टेटमेंट लिख लीजिए कि होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू हमेशा फ्री रेडिकल का ही प्रोडक्शन होता है, इसके अतिरिक्त किसी का नहीं. नंबर दो, हेटरोलिटिक क्लीवेज को लिखिए. हेटरोलिटिक क्लीवेज इसमें लिखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिसलाइक क्लीवेज या अनलाइक क्लीवेज. व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्लीवेज अनलाइकली देयर करस्पोंडिंग एटम्स देन इलेक्ट्रोफाइल आर न्यूक्लियोफाइल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अनलाइक क्लीवेज देयर करस्पोंडिंग एटम्स and then nucleophiles or electrophiles are produced. चलिए आप नोट करिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज negatively charged and attack on nucleus of reactant. More positive nucleus. Example board पर लिखे nucleophile के Cl-, Cn-, OH-. नंबर दो, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल. And attack on part of higher electron density.
आप रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के उस पार्ट पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर होगी। बोर्ड पर एग्जांपल लिखें, Cl प्लस Cl3 प्लस NO2 प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से स्टडी स्टार्ट होगी रिएक्शन मैकेनिज्म में, आगे बढ़ेंगे और यहां पर आएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस कितने टाइप की होती है वो इसमें सिलेबस में है, तो रिएक्शंस मेनली तीन टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन जो तीन टाइप की है उनमें सबसे फेमस है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले टाइप की रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद एडिशन रिएक्शन और नंबर तीन इलेक्ट्रो एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तीन टाइप के रिएक्शन। अब इन तीन टाइप के रिएक्शन में अलग अलग टाइप के रिएक्शन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो न्यूक्लियोफाइल भी करेगा, सब्स्टिट्यूशन तो इलेक्ट्रोफाइल भी करेगा, और सब्स्टिट्यूशन तो फ्री रेडिकल भी करेगा। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? किसी रिएक्टेंट के एक पार्ट को किसी दूसरे स्पीशीज से रिप्लेसमेंट मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा, उसके किसी पार्ट को रिप्लेस कर देगा, वो सब्स्टिट्यूशन। इलिमिनेशन में कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल से डिसअपीयर होगा, उसको इलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी करेगा, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन भी करेगा, फ्री रेडिकल भी एडिशन करेगा। मल्टीपल बॉन्डिंग के कंपाउंड में ये रिएक्शन मेनली होगी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले आएगी आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर आएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा टाइप है इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह एडिशन रिएक्शन भी तीन टाइप की। एडिशन रिएक्शन कौन सी होगी? पहली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरी फ्री रेडिकल एडिशन, और तीसरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलिमिनेशन में दो टाइप की पढ़ना है आपको, एक आएगी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन और दूसरा एग्जाम्पल देंगे हम डिहाइड्रेशन। इतने में आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी, और इन्हीं के मैकेनिज्म अपने सिलेबस में 11 12 में ज्यादा स्टडी है। तो इसकी लिस्ट बना लीजिए, उसके बाद एक एक यूनिट एक एक टाइम ऑफ रिएक्शन की हम स्टडी करेंगे तेजी से। रिएक्शन की टाइप ऑफ रिएक्शन इन तीनों की लिस्ट बना लीजिए डिटेल। महक मोदी ने नोट कर लिया, ठीक है भाई। और बोलिए भाई, सब लोगों ने नोट कर लिया? चलिए नोट करिए जल्दी से।
चलिए मैं नोट कर लिया, किसी की आवाज ही नहीं आ रही। आउट कर ले। अब सबसे पहले आज की डेट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे। लिस्ट आपके पास बनी हुई है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेगा तो इसका रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे हम CH3CH2Br। ये एल्किल हैलाइड है ब्रोमोइथेन। एल्किल हैलाइड में KOH के रिएक्शन करें, बट KOH कैसा होना चाहिए? एक्वस हाइड्रेट वाटर के साथ रिएक्ट होना चाहिए। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन काम करेगा? यहां पर न्यूक्लियोफाइल OH- माइनस होगा जो इस पर अटैक करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? CF3CH2OH+KBr। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ये रिएक्शन है, अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है वो समझ लें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक का नाम आप जानते हो SN2। SN2 का फुल फॉर्म क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। ये SN2 का फुल फॉर्म है। बायमॉलिक्यूलर मतलब इसकी स्लो स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, एक रिएक्टेंट का दूसरा रिएजेंट का। रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है समझ। SN2 जो मैकेनिज्म है वो सबसे फास्ट किस में होती है? 1 डिग्री में। उससे स्लो 2 डिग्री, उससे स्लो 3 डिग्री। फिर जैसे जैसे स्टेबिलिटी आती जाएगी कंपाउंड के अंदर, जैसे जैसे स्टेबिलिटी आ रही है वैसे वैसे 1 डिग्री मतलब SN2 का रेट स्लो होता जाएगा। फिर SN1 से होगा, देखते हैं अभी 1 डिग्री की बात कर। ये CH3CH ये Br 1 डिग्री हैलाइड है, पहचाना? ये कार्बन से हेलोजन अटैच है, इस कार्बन से केवल एक कार्बन अटैच है, इसलिए प्राइमरी हैलाइड। इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। इसी में SN2 मैकेनिज्म सबसे फास्ट होती है। ये खुद कौन है? अरे ये खुद तो रिएक्टेंट है, अब इस पर अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन बताया मैंने? न्यूक्लियोफाइल इसमें OH- ये आया न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है कि सामने नेगेटिव पार्ट लगा है, रिएक्टेंट के फ्रंट साइड नेगेटिव पार्ट अटैच है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव और फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता। तो ये कहां से अटैक करेगा? बैक साइड से, इस कार्बन पर, क्योंकि इसको रिप्लेस ब्रोमीन को करना है। ये आया, ये फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म की। कौन सी स्टेप है ये? फर्स्ट स्टेप। आपको पता है फर्स्ट स्टेप स्लो होती है और इसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमिनेशन स्टेप, RDS, रेट डिटरमिनेशन स्टेप। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको समझा चुके हैं, ट्रांजिशन स्टेज आएगी पहले, ये आगे। ये न्यूक्लियोफाइल, ये इस कार्बन से अटैच होगा, इसका हाइड्रोजन एक इधर डाउन साइड जाएगा CH3, सामने आएगा Br- माइनस। ये रिएक्शन मैकेनिज्म
की ट्रांजिशन स्टेज। अब आपको यह भी बता चुके हैं कि ट्रांजिशन स्टेज क्या होती है। ट्रांजिशन स्टेज तो अनस्टेबल होती है, वो क्या चाहती है? स्टेबिलिटी। वो क्या चाहती है? स्टेबिलिटी चाहती है, और स्टेबिलिटी के लिए वो यहां से ब्रोमीन को लूज कर देगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन होना है। ये गया, ये यहां से चला जाएगा। क्या फॉर्मेशन हो गया? OH CH2Cl। SN2 मैकेनिज्म केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। ट्रांजिशन स्टेज तो एक सेकंड से भी कम टाइम के लिए बनती है। यहाँ ये सेकंड स्टेप में काउंट नहीं होगी, केवल ये ही स्टेप है SN2 मैकेनिज्म। अब देखो इसमें ये रिएक्टेंट था, तो ये कौन है? अरे जो अटैक करता हो तो रिएजेंट होता ना, इसकी स्लो स्टेप में दोनों, मतलब इस रिएक्शन मैकेनिज्म का रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और रिएजेंट दोनों के ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। तो यहां क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, काइनेटिक्स में अपन इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? रिएक्टेंट, और दूसरा कौन है? रिएजेंट। तो इसका कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड है, रेट ऑफ रिएक्शन रिएजेंट पर भी डिपेंड है। मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। इसको डबल करोगे, ये डबल होगा। रिएजेंट के कंसंट्रेशन को डबल करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। मतलब इसके रेस्पेक्ट में भी ये फर्स्ट ऑर्डर की, इसके रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर। 1+1 मतलब ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। इसीलिए इसका नाम क्या है? बाइमॉलिक्यूलर। इसकी स्लो स्टेप में रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों इन्वॉल्व है। तीसरी समस्या कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैच किधर हुआ? देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। जो रिएक्टेंट में पहले से अटैच है उसका नाम होता है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप तो गया, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, लेकिन लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में अटैच हुआ। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? वाल्डन इन्वर्जन। तो SN2 मैकेनिज्म में वाल्डन इन्वर्जन होगा। अब वाल्डन इन्वर्जन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिविटीज में ये क्या रोल करेगा? जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड आपके पास डेक्सोरोटेटर है, ये किरैलिटी सेंटर होता है, सपोज अभी तो नहीं है, बट यहाँ हाइड्रोजन एक बदल दो किरैलिटी सेंटर आ जाए। तो किरेल कार्बन अगर होता और ये डेक्सोरोटेटर ही होता तो वाल्डन इन्वर्जन के थ्रू ये क्या बनता? लिवोरोटेटर, उसकी साइड चेंज हो जाती ना। ये डी होता तो ये उसकी मिरर इमेज होता, मतलब मिरर इमेज का मतलब इसका अगर पोर्शन डी है तो ये बनेगा एल, और ये एल होगा तो वो क्या बनेगा? डी बनेगा। बट मिरर इमेज इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये बदल जाता है। कौन? अरे ब्रोमीन के बजाय वो एच आ गया ना, तो यहाँ पर डेक्सोरोटेटरी से क्या हो जाता है? लिवोरोटेटरी। इनेंसोमर के पेयर बन सकते, मतलब SN2 में इनेंसोमर की बात करेगा तो वाल्डन इन्वर्जन के थ्रू डी को हम एल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल को डी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरी कहानी को नोट करिए, इसके बाद SN1 की स्टडी करते हैं। बोर्ड पर से नोट कर लीजिए, पहले पूरी रिएक्शन लिख लीजिए, फिर मैं पॉइंट वाइज आपको इसके स्टेटमेंट नोट करवा दूंगा। डबल से लिखिए, रिवीजन का मतलब ये नहीं कि केवल आपके पास लिखा है उसी को देख रहा हूं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। नया लिखिए, Thank you.
चलिए जब पूरे स्टेप नोट कर लें जितना मैंने लिखाया समझाया है तो आप बोलिए, मैं स्टेटमेंट बोल दूंगा। महक मोदी ने नोट कर लिया। चलिए भाई, बाकी लोगों ने नोट किया। क्या हुआ, आवाज ही बंद हो गई सबकी। चलिए पॉइंट वाइज लिख लीजिए, पॉइंट वाइज लिख लीजिए SN2 को। पहला पॉइंट फुल फॉर्म लिखिए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर। SN2 का फुल फॉर्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, SN2 मैकेनिज्म के रेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर 1, 2, 3 एलाइलिक बेंजाइलिक। तीसरा पॉइंट लिखिए, It is second order reaction because the rate of reaction depends upon reactant as well as reagent. Last point लिखिए, take place Walden inversion। इसमें Walden inversion होगा। चलिए भाई, अब SN1 की बात करें। SN1 में क्या होगा? SN1 इसका अपोजिट है रिएक्टिविटी आधार। उसमें 3 डिग्री में सबसे पहले रिएक्शन होती है, सबसे पहले
थ्री डिग्री का रेट रहेगा इसमें, क्योंकि थ्री डिग्री स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण स्टेबल है, उससे लेस टू डिग्री, उससे कम वन डिग्री, और थ्री डिग्री के पहले आ जाएगा हिलाइलिक, फिर बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में सबसे फास्ट होगी क्योंकि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण मोस्ट स्टेबल है, हिलाइलिक कंजुगेशन के कारण स्टेबल है, फिर आ जाएगा थ्री डिग्री, फिर टू डिग्री, फिर वन डिग्री। तो यहाँ थ्री डिग्री को बना करके समझे, ये थ्री डिग्री, जब कार्बन तीनों साइड से मिथाइल ग्रुप से सराउंड हो फोर्थ वैलेंस पर हैलाइड हो, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब ये टर्शियरी हैलाइड। टर्शियरी हैलाइड में ये कार्बन तीनों साइड से मिथाइल ग्रुप से सराउंड है, फोर्थ साइड वो जो नेगेटिव लिविंग ग्रुप बैठा है, तो इस पर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब मैकेनिज्म की जो फर्स्ट स्टेप है कैसी होगी, स्लो, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेट डिटरमिनेशन स्टेप, ठीक है। अब रेट डिटरमिनेशन स्टेप है तो पहले ये चेंज हो, इसमें अटैक करने के लिए जगह होगी तभी तो अटैक होगा, तो ये स्लो स्पीड में क्या करता है, ब्रोमीन को लूज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर करना है आपको, तो SN1 मैकेनिज्म में आपको किसी पोलर सॉल्वेंट को यूज करना पड़ता है, पोलर सॉल्वेंट को यूज करेंगे जिसके पास पोलरिटी कैरेक्टर आया है, जैसे वाटर, मिथाइल अल्कोहल, ये पोलर सॉल्वेंट, एक बेंजीन, टॉल्यूएन, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट इसलिए यूज करते हैं कि ये पोलर कैरेक्टर रखते हैं और ये इसको भी पोलर नेचर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, क्लीवेज करवाएंगे, ब्रोमीन यहाँ से जाएगा और किसका भाग में समझ जाएगा, ये एक वैलेंसी थ्री हो गई, टर्शियरी कार्बो के टाइम का भाग में समझ, इसका फॉर्मेशन हो गया ना टर्शियरी कार्बो कैटायन। अब यहाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बचा sp2, क्योंकि कार्बन के तीनों साइड केवल तीन बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ। अब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये न्यूक्लियोफाइल जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से अटैक करेगा, इधर से या इधर से, तो फिर इसके दो प्रोडक्ट हो, लेफ्ट राइट साइड से अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट ये होगा ऐसे, इधर से अटैक करेगा तो ये होगा, और अगर किरेलिटी सेंटर होगा तो OH इसमें राइट साइड है, उसमें लेफ्ट साइड है, अगर यहाँ किरेलिटी सेंटर होगा तो ये, अगर डेक्स्ट्रोरोटेटर ही है तो ये कौन सा बनेगा, रिवरोटेटर, अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों दोनों 50% का मिक्सचर होगा, ऐसा होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, एसएमिक मिक्सचर, जो क्या होता है ऑप्टिकली इन एक्टिव रूप, ये कैसा होगा, ऑप्टिकली इन एक्टिव होगा। नोट करिए ये SN1 है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, नोट करिए।